वेलकम बैक गाइस। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मुझे इस डेंजरस प्रिजन से एस्केप करना होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सामने का चैलेंज और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। बट कोई ना, हमें पैनिक नहीं होना है, संभल के और सही तरीके से पार करते हुए जाएंगे सारे स्टेप को। बटन दबा दिया, आयरन प्लेट खुल के आ चुका है और नीचे काफ़ी डेंजरस सा ट्रैप है, संभल के पार करेंगे। रिंच चाहिए, रिंच ले लिया, इसे डिस्ट्रॉय किया, अब चलेंगे नीचे। तो हम लोग नीचे भी आ चुके हैं, सामने बेरी है, संभल के बटन दबाकर जल्दी से भागना होगा, नहीं तो ये बेरी मुझे एक ही झटके में किल कर सकता है। अगर मुझे इस बेरी से बचना है तो जल्दी से स्टेयर्स की मदद से ऊपर भी आ चुके हैं। अब सीधा मुझे राइट साइड में जंप करना होगा पाइप पर। जंप किया काफ़ी अच्छी तरीके से, इसके ऊपर बेरी नहीं आ सकता, लेकिन अगर मैं सिंगल पाइप पर से नीचे गिर गया तो बेरी आ सकता है। आ चुके हैं डबल पाइप पर, अब चलेंगे सामने टनल में और हम लोग आ चुके हैं सेफली तरीके से टनल में। इसके बाद डिस्ट्रॉय किया, इसके बाद आ चुके हैं टॉयलेट के अंदर, ओपन किया, सुरंग बनाते हैं फटाफट से, थोड़ा वेट करेंगे। ओके, सुरंग कंप्लीट है और नीचे देख सकते हो लावा का रिवर है, हमें इसे अच्छे तरीके से क्रॉस करना होगा। मेरे सामने ब्रिज है, पार कर लेते हैं ब्रिज को फटाफट से। ऑलराइट, हमने ब्रिज को पार कर लिया सेफली तरीके से, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ नीचे देख सकते हो क्या है, नुकीला कांटा जैसा है जो कि काफ़ी डेंजरस है। गिर गया तो मेरा कैरेक्टर किल हो जाएगा और यहाँ मुझे गोला से बच के रहना है क्योंकि गोला हमें चाहे तो एक ही झटके में सपाट बना सकता है और ये गोला चला गया तो हम भी आगे चलते हैं ना फटाफट से। चलो ठीक है, यहाँ स्टे करते हैं क्योंकि गोला फिर से आएगा, थोड़ा वेट करते हैं। और ये गोला चला गया तो हम भी आगे चलते फटाफट से, अब वुडन लेडर की मदद से सीधा चलेंगे इसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं, आगे बढ़ते फटाफट से। चलो ठीक है, इसके अंदर भी आ चुके हैं, व्हील घुमाते हैं फटाफट से, घुमा दिया व्हील, लेकिन मेरे पीछे देख सकते हो बेरी का गार्ड पड़ चुका है। ये बेरी का गार्ड बेरी जितना ही खतरनाक है, इसके हाथ में फायर स्टिक भी है, ये चाहे तो एक ही झटके मुझे किल कर देगा। अब इसे क्रॉस करना पड़ेगा, जंप करते हुए पार करेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से पार करेंगे। यहाँ भी जंप किया, इसके बाद यहाँ भी जंप करके ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। सामने वुडन का लिफ्ट है, उसका यूज़ करेंगे, व्हील घुमा दिया, लिफ्ट एक्टिवेट हो गया और हम लोग काफ़ी तेज़ तरीके से ऊपर की ओर जा रहे हैं। हमें थोड़ा वेट कर लेना है, हम लोग पहुँचने वाले हैं, पहुँच भी गए। सामने वेंडिंग मशीन है, बटन दबाकर एनर्जी ड्रिंक को बाहर लाते हैं, इसे पीते ही मेरे अंदर एबिलिटी आ जाएगा, आ चुका है। अब मैं काफ़ी तेज़ तरीके से रनिंग कर सकता हूँ, साथ में लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जंप भी कर सकता हूँ। अच्छी तरीके से मिस्टेक नहीं करना है, अगर मैं नीचे गिर गया तो मुझे इसी चीज़ को दोबारा से शुरुआत से करना होगा, इसीलिए मैं किसी भी चीज़ का किसी भी प्रकार का मिस्टेक करना नहीं चाहता। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, ऐसी ऐसी वीडियो हर रोज़ देखने के लिए मन करे तो। अगर मन नहीं करता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। पुल डाउन कर दिया लीवर और यहाँ पर एक लेडर है, लेडर ले लिया, इसे हम लोग एक काम करते हैं ना, इसे सही जगह मतलब जहाँ लिखा है फाइंड ए लेडर, मुझे इस लेडर को वहीं पे ड्रॉप करना है। यहाँ लिखा है फाइंड ए लेडर, यहाँ ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप कर दिया, चढ़ते हैं सीधा इसके ऊपर। चर्जा भाई फटाफट से ओपन किया और चढ़ेंगे सीधा इसके ऊपर और हम लोग काफ़ी तेज़ तरीके से ऊपर की ओर आ चुके हैं, यहाँ नीचे भी आ चुके हैं। सामने देख सकते हो एयर प्रेशर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ दोनों तरफ काफ़ी डेंजरस सा ट्रैप है, तो मुझे इन सारे ट्रैप को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा। तो मैंने पार कर लिया, ये रहा लेडर, इसकी मदद से चलेंगे नेक्स्ट स्टेज में। और यहाँ आते ही मेरे सामने पाइप का ट्रैप है, हर पाइप पर अच्छी तरीके से जंप करना होगा और मुझे शुरुआत से नहीं करना है, इसीलिए संभल के पूरा का पूरा संभल के। और हम लोग सही तरीके से जा रहे हैं, दिक्कत वाली कोई सीन नहीं है, यहाँ भी आ चुके हैं, जंप करना होगा, जंप किया सेफली तरीके से और हम लोग सीधा इसके ऊपर आ चुके हैं। देख सकते हो पाइप में से एयर निकल रहा है, मुझे सबको पूरा का पूरा क्लोज करना है, इसे क्लोज करते हैं, पहला व्हील को क्लोज कर दिया, मतलब ये कि पहला पाइप से एयर निकलना बंद हो गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड व्हील घुमाने के लिए ताकि सेकेंड पाइप का एयर भी पूरा का पूरा बंद कर सके, इसे भी घुमाकर पूरा का पूरा क्लोज कर दिया। अब आगे चलते हैं सबसे लास्ट व्हील को घुमाने के लिए, उसके बाद ये होगा पूरा पूरा क्लोज हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला जो
एयर है वो भी बंद हो जाएगा। इसे घुमाते हैं, फटाफट से घुमा दिया, वो भी बंद हो गया है। अब हम लोग जा सकते हैं। अगर पहले जाने का प्रयास करते तो एयर में सटते ही हमारा कैरेक्टर किल हो जाता, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। हम लोग काफ़ी दूर निकल चुके हैं, एक और जंप आ चुके हैं। सामने टनल है, देख सकते हो, चलेंगे सीधा टनल के अंदर, फटाफट चलते हैं। आ चुके हैं टनल में, अब यहाँ से जल्दी से मुझे आगे की ओर जाना होगा। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे भी आ चुके हैं। अब मेरा कैरेक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से जंप करने लगा है, बहुत बेहतरीन तरीके से, और मुझे अपने कैरेक्टर को सही तरीके से लेके जाना होगा। ये सबसे लास्ट स्टेप है, इसके बाद नॉर्मली मिलेगा मुझे ट्रैप। पार कर लिया, ऐसे ऐसे सिचुएशन में पार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार भी किल हो गए तो फिर से स्टार्ट करना पड़ जाता है ना उसी ट्रैप को फिर से पार करने के लिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। नीचे भी आ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। काफ़ी तेज़ तरीके से जा रहे हैं, दिक्कत वाली कोई सीन नहीं है, संभल के। यहाँ का सेफ मेरे पीछे पड़ गया है और ये सेफ कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मुझे इससे दूर जाना होगा। चलो ठीक है, वेपन मिल गया, इस वेपन की मदद से मैं इसे किल करने का प्रयास करूँगा। आप लोग थोड़ा सा वीडियो एंजॉय करो। चलो गाइस, सेफ का तो काम तमाम हो गया, अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एरो का निशान भी बना है, इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पर है। और यहाँ मेरा कैरेक्टर अपने आप स्क्रॉल होने लगा है, काफ़ी तेज़ तरीके से हाईली जंप भी किया और सेफली तरीके से उतर गया नीचे। और यहाँ आते ही लेडर की मदद से सीधा चलेंगे इसके ऊपर, थोड़ा वेट करेंगे। आ चुके एग्जिट डोर के अंदर चलते हैं, आ चुके एग्जिट डोर के अंदर, अब चलेंगे इसके ऊपर संभल के। ऊपर लेजर है, मुझे सारे लेजर को बीट करना होगा। पहला लेजर को बीट किया, ये रहा मेरे सामने सेकेंड लेजर, सेकेंड लेजर को भी बीट कर दिया, ये रहा मेरे सामने थर्ड लेजर, इसे बीट करते हैं, इसे भी बीट किया। अब लास्ट का फोर्थ लेजर एक और बचा है, इसे भी बीट कर दिया। सेफली तरीके से लैंड कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि कुछ ही देर में हम लोग सबसे लास्ट फाइट के लिए पूरा का पूरा तैयार रहेंगे। सीधा इसके ऊपर चलेंगे, मुझे प्लैंक्स चाहिए, क्योंकि प्लैंक्स की मदद से ही हम लोग ब्रिज बनाएंगे और ब्रिज बनाकर उस तरफ जाएंगे। रखते हैं, रख दिया, आगे चलते हैं, फिर से उठाते हैं, उठा लिया और यहाँ ड्रॉप किया, आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे लास्ट फाइट के लिए तैयार हैं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो एंजॉय करो। ओके, ऑलराइट, रोबोट का काम तमाम हो गया। सामने गैराज का भी डोर ओपन हो गया है और सामने देख सकते हो ब्लैक व्हीकल, और इस व्हीकल को लेकर हम लोग यहां से निकल जाएंगे। अंदर बैठते फटाफट से बैठ चुके हैं, सामने डोर है, इस व्हीकल से डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय कर दिया और हम लोग यहां से निकल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।